सुल्तानपुर जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां बिजली विभाग के संविदा कर्मियों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर बिजली विभाग संविदा कर्मियों का विशाल धरना धरने पर बैठे संविदा कर्मी भी जिले में हाहाकार मचा दिया। विभिन्न मांगों को लेकर दे रहे धरना जिससे मीडिया से मुखातिब होते हुए संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया, हमें अब ठेकेदारी के हिसाब से काम नहीं करना, हमें अब अपने विभाग के हिसाब से काम करना, विभाग से ही पैसा लेना ताकि हम लोगों से यह कह सकें कि हम भी विभाग के आए दिन हैं और हमारे साथियों संग छोटी बड़ी जो दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए हम लोग आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। खबर चलाए जाने तक अभी तक कोई भी विभागीय अधिकारी शिकायत पत्र लेने नहीं पहुंचा। जिला अध्यक्ष अनु कुमार अग्रवाल सुल्तानपुर, हमारी मांगे ये है कि मास्टर रोल से वेतन दिया जाए, 24,000 की मांगे हैं हमारी वेतन की, और हमको ठेकेदारी प्रथा खत्म करके विभागीय किया जाए, और हमारे यहाँ जो एक्सीडेंटल मामला है जैसे 5 लाख का है उसको 10 लाख किया जाए, हमारी मांगे यही सब हैं। कब तक रहेगी धरना? एक दूसरी है, आज धरना रहेगा लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी का शाम तक आदेश आएगा, जैसा होगा वैसे आपको सूचना दे दिया जाएगा। यदि मांगे नहीं मांगी जाती तो हाँ निश्चित कर लें, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारे केंद्रकालीन पदाधिकारी का जो निर्णय होगा हम उसी पर चलेंगे, उन्हीं के अनुसार करेंगे। हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने हमको बताया है कि आज जो है शक्ति भवन को ज्ञापन देंगे, 15 दिन के बाद शक्ति भवन घेराव किया जाएगा। मैं कच्छ का कर्मचारी हूँ, मेरी सरकार से ही मांग है कि एक सफाई कर्मचारी को जो है 24,000 वेतन दिया जाता है, जबकि हम लोग खंभे पर हमारे कर्मचारी चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है, परिवार का पालन पोषण सब परेशान हो जाते हैं सब, कम से कम हम लोगों को भी सामान्य कार्य सामान्य वेतन दिया जाए। और हमको ठेकेदारी नहीं, विभाग चले उसको।